स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है एंजिल का उपभोग नियम, डॉक्टर एंजिल्स लॉ ऑफ ए कंज्यूपेशन। तो इसमें क्या होता है, आपको ऐसे नॉर्मली समझाती हूँ। जो हमारे डॉक्टर एंजिल्स होते हैं, वे जर्मन के जो जर्मन देश के सांख्यिकी ब्यूरो के अध्यक्ष थे। उन्होंने क्या किया, कुछ परिवारों का बजट का विश्लेषण किया था। तो उस विश्लेषण में उन्होंने न्यू शोध किए और उसमें उन्होंने देखा कि सुव्यवस्थित क्या फैमिली की सोर्सेस क्या होती है, उनको ध्यान में रखकर। और उन्होंने क्या करा, जो ग्रुप होते हैं लो हाई मिडिल, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने एंजिल्स लो बनाए। और उसमें इन्होंने ये बताया कि हाई और लो इनकम के थ्रू हम बजट कैसे बना सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एंजिल्स लो। तो इसमें क्या होता है, एंजिल्स लो एक आर्थिक सिद्धांत है, मतलब ये आर्थिक स्तर का सिद्धांत है इकोनॉमी का, जिसके थ्रू आप बजट बनाते हैं, जो कि 1857 में एक जर्मन सांख्यिकविद अर्नेस्ट एंजिल द्वारा पेश किया गया था, जिसमें कहा गया था कि खाद्य खरीदने के लिए ओविंट आय का प्रतिशत आय बढ़ने के साथ घट जाता है। जैसे जैसे घर की आमदनी बढ़ती है, खाने पर खर्च होने वाले आय का प्रतिशत घट जाता है, जबकि अन्य सामान जैसे लग्जरी सामान पर खर्च अनुपात बढ़ जाता है। कहने का मतलब जो हमारे एंजिल्स लो का है वो ये है कि इन्होंने 1857 में तो इसको स्टार्ट पेश किया था, और उसमें इन्होंने जब खोज की थी, अनुसंधान किए थे, तो उन्होंने उसमें ये देखा था, उन्होंने उसमें ये पाया, जो हमारी खाद्य सामग्री है जिसको आप खरीदते हो, तो उसका प्रतिशत जो आय है बढ़ने के साथ साथ, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो क्या होता है, तो आय बढ़ने के साथ वो घट जाता है आपकी ख़रीदारी। जैसे जैसे घर की इनकम बढ़ती है, तो जो खाने का खर्च होने वाली आय का प्रतिशत घट जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपकी इनकम तो बढ़ जाती है, बट जो आपका खाद्य पदार्थ है वो एज इट इज़ ही रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। तो इसका इसलिए एंजिल्स लो ने ये बताया कि आय तो आपकी बढ़ जाती है, बट क्या होता है, जो आपका प्रतिशत है खाद्य पदार्थ पर वो घट जाता है, जबकि जो अन्य आप सामान ले गो, कोई गाड़ी है और बाइक या और कुछ भी मटेरियल खाद्य पदार्थ से अलग, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका जो टॉप ये होता है ये बढ़ता है। बढ़ने के साथ क्या होता है, इसमें इनका अनुपात का खर्च ऐसे ही होता है। जो एंजिल्स का नेक्स्ट है आपका एंजिल्स का नियम 19वीं शताब्दी का अवलोकन क्या है, जैसे जैसे घरेलू आय बढ़ती है, भोजन पर खर्च होने वाले आय का प्रतिशत सापेक्षिक आधार पर घट जाता है। मतलब कहने का यह है, एंजिल्स लो ने जब 19वीं शताब्दी में अवलोकन किया, मतलब मूल्यांकन करा और शोध किए, तब उन्होंने देखा कि जो आपकी घरेलू आय होती है, जो इनकम आपकी पर्सनल इनकम होती है, तो वो तो आपकी बढ़ जाती है, बट जो आपके भोजन पर खर्च है वो कम, उनकी आय का प्रतिशत सापेक्षिक कम हो जाता है। कहने का मतलब है, जो आपकी खाद्य पदार्थ है उसकी जो इनकम होती है, खर्च करते हो, वो 3000 है, और आपकी सैलरी पहले 5000 थी, फिर आपकी 10000 हुई, तो क्या हुआ, आपकी इनकम तो बढ़ती चली गई, बट जो आपका वो होता है खाद्य पदार्थ पर, वो आपका कम होता रहा। नेक्स्ट है आपका, ऐसा इसलिए है क्योंकि एक परिवार एक सप्ताह या महीने में भोजन की मात्रा और गुणवत्ता, मूल्य और मात्रा से काफ़ी सीमित हो सकता है। जैसे जैसे भोजन की खपत में गिरावट आती है, लग्जरी खपत और बचत में वृद्धि हो जाती है। तो क्या होता है, जब जब फैमिली को आपने देखा हो, एक हफ्ते का या मंथ का ही वो जो आपका भोजन होता है, खाद्य पदार्थ होता है, वो खरीदते हैं, तो उसकी क्वांटिटी और जो उस प्रोडक्ट की खरीदी हुई, उसकी गुणवत्ता, उसकी मूल्य, उसकी जो काफ़ी होते हैं वो लिमिट्स में होते हैं। जैसे कि आपके भोजन की खपत में गिरावट आती है, जैसे कि आपके खाने की उसमें गिरावट आती है, ऐसे ही आपकी लग्जरी खपत और बचत में आपकी वृद्धि हो जाती है। बजट के अकॉर्डिंग इनमें क्या हो जाता है, आपकी वृद्धि आ जाती है, और उसमें जो विभिन्न मद होते हैं उसके अकॉर्डिंग इन्हें भागों में बाँटा जाता है। नेक्स्ट है आपका, जो 19वीं शताब्दी के माध्यम में अर्नेस्ट एंजिल ने लिखा, एक परिवार जितना गरीब होगा उसका कुल खर्च का अनुपात उतना ही अधिक होगा। भोजन के प्रावधान के लिए समर्पित होना चाहिए, यह तब
पूरे देश में समृद्ध देश को तर्क देकर बढ़ाया गया था। भोजन का जो हिस्सा होता है जितना छोटा होता है, तो इसमें क्या होता है, जब 19वीं शताब्दी जो आपकी 19वीं जनरेशन आती है 19वीं सेंचुरी में, जो एंजल्स हैं उन्होंने ये लिखा था कि जितना ही आपका परिवार गरीब होता है उसके खर्चों का अनुपात भी अधिक होता है, क्योंकि उनकी जो कमाने की सोर्सेज है वो बहुत कम है, बट उन सोर्सेज से ज़्यादा उनकी नीड्स है, तो इसीलिए क्या होता है उनका जो टोटल खर्च होता है व्यय होता है वो अधिक होता है, जो भोजन के अकॉर्डिंग समर्पित हो जाता है। जब ये देश में समृद्ध और तर्क के अकॉर्डिंग भोजन का एक छोटा हिस्सा जितना छोटा रहता है उतना ही होता है। जो एंजल्स का नियम है वो इस तरह बताता है कि जो लो इनकम वाले फैमिली होती है उनकी जो उपलब्ध आय होती है, जो फैमिली इनकम होती है वो अधिक से अधिक अनुपात में परसेंटेज में मिडिल या उच्च जो हाई इनकम वाली फैमिली होती है उनकी तुलना में भोजन पर खर्च करते हैं। जैसे जैसे भोजन की लागत बढ़ती है दोनों घरों पर, जो फैमिली होती है दोनों घर, जैसे घर पर जैसे किराने का मकान और घर से दूर भोजन ग्रहण करने के उधार, एक रेस्टोरेंट में कम आय वाले परिवार द्वारा खर्च गए प्रतिशत में वृद्धि की उम्मीद हो जाती है। मतलब कुछ आपने देखा होगा बाहर जो लो इनकम वाली फैमिली वो बाहर भी रहती है, तो वो क्या करती है, वो किराए के मकान पे रहते हैं तो उनका भी देते हैं बिल, और जहाँ रेस्टोरेंट होता है तो उससे क्या होती है उनकी जो आय है वो बढ़ती जाती है। फिर एंजल्स नामक एक जर्मन जो सांख्यिकविद थे उन्होंने शोध किया और देखा बजट का जो सांख्यिकीय विश्लेषण किया, उन्होंने सांख्यिकीय विश्लेषण किया और उसमें देखा जो फैमिली के बजट के अपने अध्ययन को माध्यम से उनके द्वारा प्रतिपादित करके, और जो उसके प्रिंसिपल्स होते हैं वो एंजेला के उपभोग के नियम के रूप में जाना जाता है। फिर जो कि उनके तीन प्रस्ताव होते थे जब उन्होंने शोध किया, तो उनके तीन प्रस्ताव दिए गए थे, जैसे जैसे आय बढ़ती है भोजन पर खर्च करने के जाने वाली आय का अनुपात घट जाता है, हालांकि भोजन पर खर्च होने वाली वास्तविक राशि बढ़ जाती है। कहने का मतलब है जैसे जैसे आपकी फैमिली इनकम बढ़ती है तो जो आपके भोजन पर आप व्यय करते हो इनकम उनका अनुपात घट जाता है। इनकम तो आपकी 60,000 होगी और जो आपकी जो खाद्य पदार्थ पर आप या फूड पर आप जो खर्च करते हो वो लिमिट में ही है, तो आपकी क्या होगा उसकी लिमिटेशन तो भी की हुई है और आपकी आय बढ़ जाती हो भोजन पर व्यय घट जाता है, हालांकि भोजन पर खर्च करने वाले वास्तविक राशि बढ़ जाती है, मतलब तो जो भोजन पर आप खर्च करते हो वास्तविक राशि वो ही बढ़ती है बस। सेकंड है आपका व्यक्तिगत खर्च, सांस्कृतिक चाहत, मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि खर्च का अनुपात आय के बढ़ने के साथ बढ़ जाता है। जो व्यक्तिगत खर्च होता है, जो उनके शौक होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, संस्कृति होते हैं, मनोरंजन होता है और शिक्षा स्वास्थ्य, तो इसके अकॉर्डिंग उनका खर्च बढ़ जाता है। जब उनकी इनकम बढ़ती है तो अच्छे से अच्छी फैसिलिटी लेना पसंद करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अच्छी कॉलेज में जाके शिक्षा ग्रहण करना, अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराना और जो अपने रीति रिवाज है उनको बढ़ चढ़ के अच्छे से शो करना, तो क्या होता है उनके उसमें आय के साथ साथ उनके ये भी बढ़ने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका आश्रय, कपड़े, प्रकाश व्यवस्था और ईंधन पर खर्च किया गया अनुपात व्यवहारिक रूप से अपरिवर्तित रहता है। जो भी आय हो सकती है, जो आपके कपड़े होते हैं, आपकी लाइट होती है, आपका खर्च होता है ईंधन, वो क्या वो तो एक व्यवहारिक होता है, आप जितना खर्च करोगे ये अपरिवर्तित होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ये आय के अकॉर्डिंग ही चेंज होते हैं, जिसका डिफरेंस में ये दिखाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका जिन विभिन्न आय समूह के बजट को निम्नलिखित जो आपकी तालिका होती है वो एंजल्स ने देखा और विभिन्न जो ग्रुप्स के होते हैं उनके बीच में तुलना की, और कम जो लो इनकम, मिडिल इनकम और हाई इनकम के जो ग्रुप होते हैं उनकी फैमिली उनको एक नमूना बांटा जाता है, जो एंजल्स के उपभोग के लिए नियम में साबित करने के लिए बजट की मुख्य वस्तुओं का
शामिल किया जाता है। जो एंजल्स ने ये आपके लिए बजट बनाया है, इसमें आपने देखा होगा बजट कैसे डिफरेंट एक तालिका में बनाया हुआ है, जिसमें एंजल्स द्वारा विश्लेषण दिए गए लक्ष्य होते हैं इनकम के अकॉर्डिंग। जैसे आइटम ऑफ जो जो आपकी खाद्य जो जो आपकी होती है, फिर लो वाला आता है, लो ग्रुप का क्या होता है, फिर इनकम आती है 1,000, मिडिल की इनकम आती है 3,000 और हाई की आती है 8,000। तो जो फिर होते हैं अमाउंट के अकॉर्डिंग उनको अमाउंट को परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसको बांट दिया जाता है। जैसे कि फूड है 650 है, उसकी परसेंटेज क्या बनी लो में 65 और वहीं मिडिल में 1500 है, उसकी परसेंटेज पर जाए 50 और वहीं पे ही हाई का है 3200 उनकी बनी 40,000। तो ये क्या होती है, ऐसे ही हाउसिंग के 150 तो 15, 450 तो 15, 1200 तो 15 है। फिर है क्लोथ की, कपड़े की है आपकी 80 8%, 240 8%, 640 8%। तो इसमें क्या होता है, फिर एजुकेशन शिक्षा होती है आपकी 50 अमाउंट में तो ये 5% आता है, 110 है तो 7%, 760 है तो 9.5%। फिर आता है आपका स्वास्थ्य हेल्थ, इसमें ये क्या होता है, ये 50%, ये 50 होता है तो 5%, 440 तो 8%, 760 तो 9.5%, रिएक्शन 10%, 1, 110, 7, 720, 9। ये क्या होते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, ये इनके बजट बनाते हैं, बजट ऑफ डिफरेंट इनकम ग्रुप के अकॉर्डिंग। जो आपने देखा होगा फूड में जो लो वाले का है वो स्तर अधिक हो जाता है ना, और जो होते हैं आपके हाउसिंग क्लोथ और ये आपके ईंधन ये सेम रहते हैं। तो इसमें आता है डिफरेंस, जो एंजल्स द्वारा बताए गए थे उपरोक्त जो नियम, पहले और पांचवें मत के व्यय होने वाली राशि का प्रतिशत, तो इसमें क्या होता है, जितने आज भी भोजन पे किए जाने वाले जो आय का प्रतिशत है, आय में वृद्धि के साथ वो कम हो जाता है, जबकि आपकी शिक्षा स्वास्थ्य जो आपकी विलासितापूर्ण वस्तुएं होती हैं उन पे किए जाने वाला व्यय है जो आपका बढ़ जाता है। तो एंजल्स जो द्वारा बताई गई हैं वो वस्त्र, मकान, प्रकाश, ईंधन ईटीसी, जो इनका व्यय प्रतिशत है वो सभी आय वर्ग में स्थिर नहीं रहता, जैसे जैसे आय में वृद्धि होती रहती है उनका आय उनमें उनकी ये भी बढ़ता, उनकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है।